होडल में जाट समिति के लोगों ने पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों की शहादत का पाकिस्तान से बदला लिए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए लड्डू बांटे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलवामा में शहीद हुए हमारे जवानों की आज आत्माओं को सुकून मिला है। जी हां, मंगलवार की रात हमारे वायुसेना के जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पुलवामा शहीदों का बदला लेकर ये दिखा दिया कि इंडियन आर्मी द ग्रेट। जी हां, आज हिंदुस्तान में जहां देखो वही लोग अपने जवानों की ताकत का बखान हो रहा है। इसी के चलते आज होडल में जाट समिति के लोगों ने पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों की शहादत का पाकिस्तान से बदला लिए जाने की खुशी जाहिर करते हुए लड्डू बांटे और शहीद जवानों को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान के कायराना हमले का हमारे वायुसेना द्वारा जवाब दिए जाने पर लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को व हमारे रक्षा मंत्री व हमारे जवानों का धन्यवाद किया और कहा कि अगर देश को हमारी जरूरत पड़े तो हम भी आपके साथ हैं। हमारी सेना ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमारे दिलों के घाव थे उनको शांत किया है और हमारे 44 जवानों की जो शहादत थी उसको बदला लिया है और उसकी एवज उन दुष्ट लोगों के 300 जवानों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने वायुसेना की मदद से उनको मार गिराया है। इसलिए हमने खुशी इजहार की है और लड्डू बांटे हैं और शहीदों को जो हमारे शहादत देश के लिए दिए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और हमने देश के प्रधानमंत्री और हमारा रक्षा सेना वायुसेना की हमने धन्यवाद किया है। 12 तारीख को ये हुआ जब 14 को ये इतना बड़ा हादसा हुआ, जब से हमारा देश जो भी भारतीय है वो सब गमगीन थे, दुख में डूबे हुए थे और जो है बहुत बड़ा मातम छाया हुआ था। लेकिन 26 तारीख को जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वायुसेना ने ये अटैक किया और मंगलवार को 26 तारीख को और 300 लोगों को जो मिलिटेंट थे आतंकवादी थे उनको मौत के घाट उतार दिया, तो उसने उसके बाद हर हिंदुस्तानी के दिल में सुकून और चैन की सांस ली। इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री इसको रक्षा वायुसेना को और रक्षा मंत्री जी के धन्यवाद करने के लिए हमने इन लोगों को यहाँ एक होडल से। हरिओम भारद्वाज की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।